हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीएनसी वॉइस। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट वीडियो में कैसे हम बैंगलोर से फ्लाइट लेकर मालदीव्स के मले एयरपोर्ट में लैंड किए और कैसे माफूसी आइलैंड को स्पीड बोट लेके पहुंचे, वो डे वन वीडियो था हमारे मालदीव स्टोर का। सुबह हमने होटल में खूब नाश्ता किया। दोस्तों, मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप सुबह सुबह हैवी नाश्ता करें होटल में। यदि आप कर सकते हो तो आप नाश्ते में कुछ वजन अपने साथ भी ले सकते हो, ट्रिप में बाद में आपको काम में आएगा अगर भूख लगे तो। हम सब इसके बाद एक असेंबली एरिया में पहुंचे, जहां हमें एक इंस्ट्रक्टर, एक असिस्टेंट दिया गया, जिसने हमें समझाया कि स्नॉर्कलिंग गियर कैसे होते हैं, इसे समुद्र के बीच में कैसे ऑपरेट किया जाता है। उन्होंने स्नॉर्कलिंग के इक्विपमेंट्स के यूज भी दिखाया डेमो करके। इसके बाद सभी को स्नॉर्कलिंग गियर, एक एक लाइफ जैकेट, एक जोड़ी फिन्स और एक टॉवल भी दिया गया। माफूसी आइलैंड में हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा करने के लिए। आप छोटे से आइलैंड के गलियों में टहल सकते हो, लोकल शॉप्स या मालदीवियन क्विजिन खाने के लिए रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो। होटल्स सारे टूर्स का ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, फिशिंग, वाटर स्पोर्ट्स, डॉल्फिन वॉचिंग और सैंडबैग साइट में पिकनिक या शानदार रिजॉर्ट्स के डे टूर भी शामिल है। माफूसी आइलैंड में हमारा आज दूसरा दिन है और हम स्नॉर्कलिंग टर्टल पॉइंट जाने के लिए बेहद एक्साइटेड है। आइलैंड के मेन रोड पर कुछ दुकानें या बुकिंग सेंटर्स है, जहां आप अपनी टूर या ट्रिप का बुक कर सकते हो। हालांकि आप अपने होटल के लोगों से भी संपर्क कर सकते हो, जो आपके लिए स्लॉट्स बुक करेंगे। हमारे पास कानी होटल का कादिर था, जो हमारे लिए सभी ट्रिप्स का स्लॉट बुक करता था। आज मैं पूरा वीडियो दिखाने जा रहा हूं आपको, जो हमने अपनी मालदीव टूर के दूसरे दिन किया था। कृपया सभी एक्टिविटीज का पूरा अनुभव या एक्सपीरियंस लें और वीडियो को अंत तक देखें। हम सबसे पहले टर्टल पॉइंट पहुंचे, सब कूद पड़े तो मैं भी समुद्र में कूद गया एक्साइटेड में। मैं आपको वहां एक घटी मजेदार घटना बताता हूं। स्नॉर्कलिंग इंस्ट्रक्टर ने हम सभी से पूछा कि जो जो तैरना जानते हैं समुद्र में, क्योंकि वो केवल उन्हीं लोगों को फिन्स पहनने के लिए सजेस्ट कर रही थी जो समंदर में पहले स्विमिंग किए हो। क्योंकि मैं नदी या स्विमिंग पूल में बहुत अच्छा तैरता हूँ, उसी भरोसे के साथ मैंने भी अपना हाथ ऊपर किया और मैं भी फिन्स पहन लिया। उसके बाद मैं फिन्स लगाकर समुद्र में कूद गया। 2 से 3 मिनट के भीतर वो गाइड या इंस्ट्रक्टर पानी में भी छलांग लगा दी। उसने मुझे ऊपर जाके फिन्स खोल के लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा और कहा कि इस तरह का स्विमिंग समंदर में काम नहीं करती है, आपको पहले फ्लोटिंग करने का जरूरत है समंदर में। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया और फिर ऊपर आया। ऊपर आने के बाद मेरी पत्नी को बोला तो मेरी पत्नी बोली कि बाद में मुझे कभी नहीं बोलना कि तुम एक बहुत ही अच्छा स्विमर हो। वैसे भी दोस्तों, अगर आपको समंदर में तैरने का पहले का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जरूर जरूर लाइफ जैकेट पहने। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रही होगी कि क्या एक नॉन स्विमर या बिगनर मालदीव में स्नॉर्कलिंग कर सकता है। ऑब्वियसली गाइस, यस, कर सकते हो। मालदीव में स्नॉर्कलिंग करने के लिए आपको प्रो स्विमर होने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक मास्क, एक लाइफ जैकेट पहनना है और मालदीव के पानी के नीचे जो समुद्र का दुनिया है उसको देखने के लिए जो गाइड या इंस्ट्रक्टर है उसका इंस्ट्रक्शन को सुनना जरूरी है। मालदीव में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग अट्रैक्शन है वो पानी के नीचे पाए जाते हैं। आप देख सकते हो कि कितना सुंदर समुद्र टर्टल, जो समुद्र कछुआ है, वो हमने देखा पानी के नीचे। और ये सब देख के कितना अद्भुत लग रहा है, वंडरफुल अंडर वाटर। ऑक्सविल कछुआ या टर्टल या ग्रीन सी टर्टल को देखने के लिए टर्टल पॉइंट सबसे फेमस है, इसीलिए अपनी आंखें उनके लिए खुली रखें। हिंद महासागर या इंडियन ओशन इतना साफ और ट्रांसपेरेंट है कि मालदीव्स में ज़्यादातर बार आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं यहाँ कोई म्यूजिक रखने नहीं जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी दृश्य को मेरे साथ पानी के नीचे देखें और पानी के नीचे जो साउंड है उसको सुनकर उसका आनंद लें, उसका अनुभव करें। आपको ये ज़िंदगी भर याद रहेगा।
आप वीडियो का आनंद लो। एक जरूरी बात दोस्तों, कृपया मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दो अगर कुछ फीडबैक है। यदि आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको मेरी जो फ्यूचर का वीडियोज है सारे का सिफारिश सबसे पहले मिले। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो। वहाँ लगभग 30-40 मिनट्स बिताने के बाद हम खूबसूरत कोरल रीफ गार्डन या कलरफुल फिशेस है, मछलियाँ हैं, वो सब देखने के लिए चल पड़े। मालदीव्स में समुद्री जीवन अविश्वसनीय है। एक स्नॉर्कलर के रूप में आपको मालदीव में दुनिया के सबसे रंगीन या कलरफुल कोरल रीफ्स देखने को मिलेगा। बेसिक आइडिया ये था कि कलरफुल मछलियाँ, कोरल रीफ्स और समुद्र के नीचे जितना भी सुंदर जीव है वो सब को देख के आंखों को खुश करना, और ये सब ब्यूटी देखने के बाद सैंड बैंक जाके वहाँ पे स्वादिष्ट भोजन करने का। स्टिंग्रेज भी मालदीप में एक और समुद्र क्रिएचर है जो आपको ज्यादातर समुद्र के नीचे स्तर पर मिलेगा। हमने नॉर्मली एक पैकेज बुक किया था जिसमें स्नॉर्कलिंग, फेमस सैंडबैंक में लंच और कोरल रीफ और टर्टल पॉइंट भी शामिल था। उन्हें भी खबर मिल गई बाद में कि मंटा रेज भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो हम सबको मंटा रेज दिखाने के लिए भी ले गए। इसके बाद हमने मंटा रेज भी देखने के लिए अपनी किस्मत आजमाई और हमें वो देखने को भी मिला। वो आमतौर पर कोरल रीफ्स के करीब पाए जाते हैं। हम दोनों मंटारेस को देखने के लिए पानी में तो कूदे नहीं, क्योंकि वो मंटारेस शार्क फैमिली का होता है। मंटारेस को देखना एक सौभाग्य की बात है। हमने ऊपर से देखा, ये हिंद महासागर में बड़े और मजेस्टिक जीव है जो कि 7-7.5 मीटर का होता है। इसका मतलब 25-26 फीट तक बढ़ सकते हैं और लगभग 2000 किलोग्राम का भी वजन हो जाता है। ये बहुत तेज तैरते भी है। हमारी स्पीड बोट से कुछ अच्छे जो एक्साइटेड स्विमर्स थे और बेहतरीन स्विमर्स थे, वो सारे मंटारेस को देखने के लिए, फॉलो करने के लिए वो सब कूद पड़े। ये है कुछ वीडियोज और फोटोज। इतनी स्नॉर्कलिंग और स्विमिंग के बाद अब हम सैंडबैग जाने के लिए तैयार हैं। हम स्पीडबोट पर पास के एक सुनसान सैंडबैंक की ओर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम इस सैंडबैंक में पहुंच गए। मालदीव्स अनगिनत छोटे बड़े सैंडबैंक का घर है। मालदीव्स में अधिकांश रिजॉर्ट्स पास के कोई एक सैंडबैंक में ले जाते हैं जो उनका मालदीव टूर पैकेज का एक हिस्सा के रूप में शामिल होता है। कुछ रिजॉर्ट्स भी कैंडल लाइट डिनर के साथ ओवरनाइट सैंडबैंक कैंपिंग भी देते हैं।
मालदीव्स में बहुत सारे प्राइवेट सैंड बैंक्स भी है। ये सैंड बैंक्स एक प्रकार का सबमर्ज्ड एरिया है, एक जलमग्न भाग है जो केवल जल से बाहर होता है। ये सैंड बैंक एक ओशन, एक महासागर, एक समंदर या एक नदी का भी हो सकता है। वैसे भी जैसा कि हम अपनी शादी के ठीक एक महीने बाद अपने हनीमून पर थे, जब से इस जगह पर हम पहुंचे हैं तब से हम इसके प्यार में हैं। यहाँ होना एक आनंद की बात है। प्री वेडिंग और हनीमून फोटोशूट्स के लिए भी ये एक बेहतरीन जगह है। ड्रोन फोटोशूट के लिए आप बुकिंग सेंटर या होटल वालों से भी बात कर सकते हो। एक सी बीच छतरी के नीचे हमें होटल के पिकनिक बास्केट मेन्यू परोसा गया। दोपहर के भोजन में चावल, मालदीवियन फिश करी, पापड़, केला और फ्रूट जूस था। नवविवाहित या न्यूली मैरिड कपल्स विशेष रूप से यह अनुभव को पसंद करेंगे। मुझे यकीन है कि नंगे पांव घूमने के लिए कोई सनशाइन, ब्लू एंड ग्रीन सी बीच और व्हाइट सैंड को डेफिनेटली पसंद करेगा। हम दोनों ने यहाँ इस सैंड बैंक में बहुत अच्छा समय बिताया और हम सोच रहे थे कि इस जगह को ना छोड़ें। मैं कहूँगा कि ये मेरी पत्नी के साथ एक बहुत ही अच्छा एडवेंचर था। ये एक तरह का स्पेशल फीलिंग है जो आप अपने लव के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किए। मैं एक सनस्क्रीन लोशन ले जाने की सलाह दूंगा गाइस, क्योंकि दोपहर में टैनिंग की संभावना बहुत ही अधिक होती है। कृपया इसे जब भी हो सके, संभव हो तो लगाएं। इसके बाद हमने फोटो लेने के लिए कुछ समय और बिताया। मैंने वीडियो के अंत में कुछ फोटो रखा है। We'll be right back.
फाइनली हमने इतने अच्छा सैंडबैंक को अलविदा कहा और माफुशी आइलैंड के लिए रवाना हो गए। इस एक्टिविटीज़ के अंत में मैं कहूँगा कि ए टीम ऑफ यंग प्रोफेशनल फॉर द स्नॉर्कलिंग ट्रिप, जो कि हर चीज़ का ध्यान रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। मापुसी आइलैंड पर पहुंचने के बाद हमने कुछ और वाटर स्पोर्ट्स देखे, जैसे कि आप विंडसर्फिंग, स्कीइंग, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग एडवेंचर्स, पैरासेलिंग, शार्क व्यू पॉइंट विजिटिंग, डीप सी फिशिंग, सबमरीन राइड आदि जैसे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो। इसके बाद भी हम कपड़े बदलने के लिए होटल नहीं गए, बल्कि हम फिर से इस ब्लू ग्रीन वाटर में नहाना चाहते थे, इसीलिए हम बिकिनी बीच पर गए जो हमारा होटल का सामने ही था। ये बिकिनी बीच मापुसी में एक पब्लिक बीच है जहां लोकल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। बिकिनी बीच के अलावा पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक बीचेस में बिकिनी पहनना मना है। बिकिनी बीच में आप काफ़ी रिलैक्स कर सकते हो। मापुसी बिकिनी बीच काफ़ी पॉपुलर है और आराम करने के लिए सबसे अच्छा बीच है। टूरिस्ट एरिया में सन लाउंजर्स और नारियल भी मिलता है। जब आप सी बीच पर बिकनी में आराम करें तो एक ताज़ा नारियल का भी मजा ले सकते हो। यहाँ कुछ अच्छा समय बिताने के बाद हम होटल चले गए। नेक्स्ट फ्रेश होने के बाद हम फिर से सी बीच पर आ गए। हमने सी बीच के रेस्टोरेंट्स पर कुछ स्नैक्स किए। हमने फिर से बहुत सारे तस्वीरें ली। इसके बाद हमने अपनी अगले दिन का एक्टिविटीज़ के लिए बुक किया, जो कि एक प्राइवेट आइलैंड में एक शानदार लग्जरियस रिजॉर्ट की डे टूर था। इसके बाद हमने शानदार सनसेट देखा और फिर सफ़ेद रेत पर आराम से लेटे रहे। कुछ टाइम बाद हमने स्टिंगरे कैफे रेस्टोरेंट में शानदार डिनर किया। फाइनली हम होटल आ गए। ऑनेस्टली गाइस, मालदीव्स एक साल भर स्नॉर्कलिंग डेस्टिनेशन है, बट नवंबर से मार्च बेस्ट टाइम होता है मालदीव्स में स्नॉर्कलिंग करने के लिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करो। कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं जल्द ही तीसरा दिन का वीडियो लेके आऊँगा। कृपया इसी वीडियो को इतना प्यार दे, फैला दे और शेयर करें। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय, अलविदा, टेक केयर।